सो द ऑप्शन नंबर लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सोशल वर्कर को पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ, इसके अलावा पॉलिसीज बन जाती है उसकी एडवोकेसी करना, इंटरप्रेट करना उसको, क्या ये वास्तव में लोगों के लिए है, मतलब लोगों भले के लिए, तो ये सभी भी काम होते हैं सोशल वर्कर के, अदर देन दी पार्टिसिपेटिंग इन दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो दैट कैन बी ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन नंबर डी और ई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स फोर्थ विल बी राइट आंसर। इसमें किसी को डाउट है कोई स्टेटमेंट में पांचों में बताइए। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन देखिए एग्जाम में लेंदी आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन लेंदी है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आप जल्दी पढ़ के आंसर नहीं लगा सकते, थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। अगर हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन लेंदी दिखे, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखे, पढ़ने में टाइम लग रहा हो, तो उसके ऑप्शन जरूर देखना। ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि पहला वाला स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लिखा है कि सोशल वर्कर वर्किंग विद द मैग्रीज इशू नीड टू बी कंसर्न विद द पॉलिसी, तो जो सोशल वर्कर जो बड़े इशू होते हैं माइक्रो लेवल के इशू होते हैं उसको डील करते हैं, तो वहाँ उनको फोकस करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है पॉलिसीज का, तो ये कथन बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि सभी लेवल पर वर्क करते हैं सोशल वर्कर, तो ये जब गलत हो जाएगा तो इसका मतलब ये जहाँ पर है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा, तो ऐसे करके आप टाइम अब सेव कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा पढ़ेंगे एक एक करके समझेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा लेंदी क्वेश्चन में, इसी वजह से वो ऑप्शन ऐसे देते हैं, एटलीस्ट अगर आपने प्रैक्टिस किया है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो यूज किया है प्रैक्टिस टाइम पे, तो आप बता पाएंगे कौन सा गलत हो सकता है कौन सा सही हो सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, लेंथी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे रहते हैं, आप देखना जैसे, ये तो चलो एक्चुअल आपको पता रहना चाहिए, ऐसा भी है क्वेश्चन, इसको आप देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। टू फॉलो द, अब जैसे डी नहीं होगा तो डी जहाँ जहाँ पर आप एलिमिनेट कर पाएंगे, देखो डी अगर नहीं होगा तो इसमें डी कहाँ कहाँ पर, ये है ऑप्शन, ये है, ये ऐसे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, या पहला वाला आपको पता है पहला होगा ही होगा क्योंकि पहला तो सही लिखा है कि हमको डैमेज नहीं करना है जो भी नेचर के तौर पर जो भी रिसोर्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब पहला होगा ही होगा, बाकी में नहीं है, तो ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं उनमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, सिर्फ यूज एन इजली एलिमिनेट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, अब ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इतने सारे क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, लेकिन कोई भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि इजली मार्क द राइट आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। व्हाट आर द वे टू लिव मोर सस्टेनेबली, हम किस प्रकार से जो है और सस्टेनेबल तरीके से हम जी सकते हैं, जीने का जो तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट आर द वे, ट्राई मोर वेज मील, शाकाहारी भोजन प्रयास करना, ट्राई रियूजेबल कॉफी कप, वाटर बॉटल्स एंड शॉपिंग बैग्स, जो भी हम खरीदते हैं सामान सब्जी लेने जाते हैं या पानी पीते हैं बॉटल जो होता है या जो कॉफी या चाय पी रहे होते हैं, तो ऐसे हम ऐसे यूज डिस्पोजेबल या इस प्रकार के रियूजेबल कप्स यूज करें, इनको बार बार यूज कर पाएं, सेव एनर्जी एंड वाटर, डू नॉट डोनेट अनवांटेड आइटम्स, जो भी एक्स्ट्रा आपके पास आइटम्स हैं क्लॉथ्स हैं सामान है उसको डोनेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अगर डोनेट करेंगे तो बाकी लोग खरीदेंगे नहीं या जिनके पास पैसे नहीं है तो वो उनका यूज कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक ही सामान मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, तो सस्टेनेबल है। शॉप एट मॉल्स एंड मार्ट, ये सही होगा क्या? देखो शॉपिंग ज्यादा करते हैं मॉल्स वगैरह मार्ट्स वगैरह में, तो इससे बहुत ज्यादा पैकेजिंग आप देखते हैं, बहुत ज्यादा पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये सभी सस्टेनेबल नहीं माना जाता है, सो वी कैन ऑप्शन बिकम एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ई, ये वाला मेरा क्या बचा, पहला सही है,
वेज जो है मील खाना चाहिए, क्योंकि मीट प्रोडक्शन केवल अगर उसको देखें तो एनवायरमेंट फुटप्रिंट के लिए भी बोल सकते हैं हानिकारक है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमशन नहीं करना चाहिए जो मीट होता है। इसी वजह से आपका पहला वाला कथन सत्य हो जाएगा कि ट्राई मोर वेज मील्स। एक ही ऑप्शन बचा है, हाँ ऑप्शन डी एलिमिनेट कर पाएंगे तो भी आंसर लगा सकते हैं। डू नॉट डोनेट अनवांटेड क्लॉथ, बिल्कुल करना चाहिए, डोनेट करेंगे तो कोई ना कोई पहनेगा ना, एक ही आइटम मतलब क्लोथ्स या कुछ भी, या बार बार यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है, ज्यादा समय तक चलेगा और रिसोर्स कम यूज होंगे। बजाय कि हम किसी चीज को बाहर फेंक दें, थ्रो कर दें, इट इज बेटर कि समबडी विल यूज दैट वन, दैट विल बी अ सस्टेनेबल वे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, सॉरी फर्स्ट नहीं, दिस वन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। यहाँ लिखा है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से हम सस्टेनेबली जी सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकते हैं, तो यही है कि बेस जो है शाकाहार भोजन प्रयास करना चाहिए, और बाकी की जो भी हम आइटम यूज करते हैं दैट शुड बी अ वेरी रियूजेबल, चाहे वो खाने पीने की सामान हो, कपड़े पहन, या बोतल हो, पानी हो, कुछ भी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, वाटर को बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, जो तो भी हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उन सभी को आपको बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग व्हिच फाइव इयर्स प्लान, बताइए। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करना, ताकि बेहतर तरीके से जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जैसे फूड ग्रेन्स है प्रोडक्शन हो, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा, ये सभी चीजों में फोकस किया जाता है कि हम जहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करना है, कि कौन सा फाइव प्लान है। तीसरा दैट इज द सेवेंथ हाईएस्ट प्लान, 1985 to 990। इसका फोकस था कि जो भी इम्प्रूव इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना, एफिशिएंट बनाना, कम कॉस्ट में, कम पैसे में, कम खर्चा में, उसका फोकस था इसमें। ठीक है, तो थर्ड वाला आपको करेक्ट हो जाएगा। पहला इसमें है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान से, इसका क्या टाइमलाइन है? नाइनटीन सेवेंटी फोर, बताइए। नाइनटीन सेवेंटी एट, इसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। यही वाला है ना? नेक्स्ट इसमें सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान, ये आपका 1980 से लेकर 1985। इसके बीच के तो कहाँ चले गए ईयर, 2 साल, 2 साल को बोलते हैं रोलिंग प्लान, क्योंकि 1978 से 1980 तक था। इस टाइम पे जो ये इस पीरियड के अंदर तो क्या हो गया, इस पीरियड के अंदर जो है कंट्री के अंदर अनस्टेबिलिटी थी, मतलब बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो जनता पार्टी थी उसकी गवर्नमेंट बनी तो उसने रिजेक्ट कर दिया पहले वाला प्लान जो फिफ्थ ईयर प्लान था। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी द्वारा से रेप हुई 1980 में, तो उन्होंने जो जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था प्लान उसको रिजेक्ट कर दिया, तो 2 साल जो है ऐसे खराब चले गए। उसके बाद फिर 1980 में सिक्स फाइव ईयर प्लान, सेवेंथ मैंने बता दिया, एट्थ वाला
1992 से लेके 1997। ठीक है, तो ये आपके चारों में से पहले थर्ड नंबर का जो करप्ट होगा, जिसमें फोकस किया गया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करना ताकि एफिशिएंट प्रोडक्शन हो, कम कॉस्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। सी विल बी राइट आंसर, थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलिए। कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या हो गया? एवरीबडी एट वाला बता दीजिए। देखो एट वाला मैंने बताया ना, 1985 से लेकर, आपका 1998 वाला नहीं था ये, तो ये वाला है, ये 1992 से लेकर 1997। इसमें फोकस किया गया था कि कैसे जो है इंडस्ट्रीज हैं उनको मॉडरेशन किया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ इसी के अंदर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फोकस किया गया। इसके अलावा पॉवर्टी को कम करना, ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ये सभी मेन फोकस थे। ठीक है, इसी टाइम पे इंडिया जो है बना था WTO का मेंबर 1995 में। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद करना, बाकी तो बहुत सारी लिस्ट होती है, सब याद नहीं कर पाएंगे आप लोग। वैसे नोट्स में मैंने अपडेट करके दिया, देखो अभी जो मैंने नोट्स दिया ना, जो लोग पहले ज्वाइन किए थे क्लास पिछले वाले बैच में, दिसंबर वाले बैच में थे, ठीक है, तो वो वाला जो पुराना नोट्स होगा उसको आप हटा करके, ये जो नया वाला मैंने अपलोड किया उसको आप प्रिंट करने वाले ना, या जैसे भी पढ़ते हो चाहे PDF से कैसे, उसमें मैंने अपडेट कर दी है 5 प्लान, और उसके अलावा जो रैंकिंग है उनको मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी ऐड कर दिए मैंने, जो कि एल्डरली पर्सन के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम है वो ऐड कर दिए हैं। तो कुछ PDF को मैंने अपडेट किया है हर एक चैप्टर के अंदर, इस वाली यूनिट के अंदर। तो प्लीज़ पहले वाला जो लोग लास्ट वाले बैच के हैं, वो लोग पुराना PDF को हटा करके नए वाले PDF से पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या आंसर होगा? दिस इज नॉट द मॉडल ऑफ सोशल प्लानिंग। टॉप डाउन मॉडल, बॉटम अप मॉडल और पार्टिसिपेटरी मॉडल, लेफ्ट राइट मॉडल, क्या आंसर होगा बताइए। देखो लेफ्ट राइट मॉडल कुछ होता नहीं है, टॉप डाउन मॉडल तो पता ही होगा, इसका मतलब होता है कि जो टॉप लीडरशिप है, या बोल सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्लानर हैं, उनके द्वारा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हैं। क्या हो गया? ठीक है, वो सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हैं और वही इम्प्लीमेंट करते हैं। कमिटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, कमिटी पार्टिसिपेशन, दैट इज अ टॉप डाउन मॉडल। ओके, नेक्स्ट है बॉटम अप मॉडल, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर फोकस किया जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर, कि उनके द्वारा जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उनके द्वारा दिए जाएंगे, जो लोकल नॉलेज है उस पर फोकस करेंगे, तो उसको बोलते हैं बॉटम अप मॉडल। तीसरा है लेफ्ट राइट मॉडल, लेफ्ट राइट नहीं होता है,
पार्टिसिपेटरी मॉडल ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कोलेबरेशन करना बिटवीन एक्सपर्ट या प्लानर एंड कमिटी थ्रू आउट दी प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा प्लानिंग का, उसमें दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होगा, दोनों कोलेबरेट करके काम करेंगे और ठीक है, इसको बोलेंगे पार्टिसिपेटरी मॉडल। क्लियर है तीनों? तो एक ही ऑप्शन बचा है जो कि नहीं होगा मॉडल, दैट इज अ लेफ्ट राइट मॉडल। ये को आपकी क्वेश्चन थी, कितने क्वेश्चन थे लगभग? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 क्वेश्चन थे। मतलब कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आप इस यूनिट में भी कंसिडर कर सकते हो और बाकी एक दूसरे यूनिट में भी कंसिडर कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप लोग थ्योरी पढ़ना अच्छे से, मैंने PDF शेयर किया हुआ है उसको आप डाउनलोड करके, उसमें बाकी के रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले एग्जाम के अंदर दिसंबर वाले में रैंकिंग के क्वेश्चन नहीं आए। SDG की क्या रैंक है, SDI की, वो सभी रैंकिंग के क्वेश्चन इसमें आए नहीं थे, लेकिन जून वाले में आए हुए जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में रैंकिंग पूछी गई थी, वो तो करंट का पार्ट होता है, तो मैंने अपडेट कर दिया है नोट के अंदर, तो आप लोग उसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। और इस यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपको फोकस करना है करंट से, ठीक है? करंट का मतलब चूंकि इस यूनिट के अंदर ज़्यादातर प्रोग्राम है, प्रोग्राम पॉलिसी, ठीक है, और SDG गोल से क्वेश्चन आते हैं, SDI इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने अपडेट कर दिए सब, इनको आपको पढ़ लेना अच्छे से, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? ओके, क्लियर है सभी को? तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे हम लोगों ने यूनिट 6 देखा, यूनिट 6 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो बाकी हम लोग यूनिट 8 में आपका जो चैप्टर 1 है, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकी यूनिट से कम आते हैं, तो वो फोकस करना है। और यूनिट 9 और 10, यूनिट 2 अच्छे से पढ़ लेना, बहुत टाइम दिया मैं उन्होंने, उस पर पूरा डिस्कस किया, थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ी है। यूनिट 5 में बहुत सारा समय दिया, प्रॉपर सब कुछ अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट सब ये क्लियर होंगे, बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़ लिए थे यूनिट 5, ठीक है? यूनिट 1 इस इन ये 3 यूनिट हैं, ये हैं और आपका ये है, एक ये वाला है और 9 10, इसको अलग मार्क कर देते हैं। यूनिट 8 का चैप्टर 1, यूनिट 9 10 और ये 3 यूनिट यहाँ पर है, इन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। कोई भी डाउट हो ग्रुप में डालना, थ्योरी वोरी दोबारा डिस्कस कर लें, लेकिन रटना नहीं, मतलब जो चीज़ रटने की नहीं उसमें क्यों रटेंगे, इसे यूनिट 2 है, इसमें थ्योरी है, अब थ्योरी में क्या ही रटना, थोड़ा सा याद रखना है आपको कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा देगी, बाकी आपको समझ में आना चाहिए क्या थ्योरी। यूनिट 5 तो पूरा आपको समझने का है, ठीक है? हाँ, यूनिट 8 का पहला चैप्टर उसमें याद करना पड़ेगा क्योंकि सभी आर्टिकल्स हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो यूनिट 3 बहुत ईजी है, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, सोशल एक्शन, ये सब ईजी है। और यूनिट 6 से अपने देख ही लिया पढ़ रहे हैं, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? तो बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और कल भी क्लास होगा वैसे, कोशिश करेंगे भी कंटिन्यू करेंगे 2 3 दिन, ठीक है? बाकी जो कंटेंट है आपका संडे तक मैं कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए, अभी थोड़ा सा मुझे काम था PhD का, तो इस वजह से इंगेज नहीं हो पाया मैं, और ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछे थे उनको मैं कवर कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, या ग्रुप में आंसर दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, एंड प्लीज थ्योरी पढ़ के आना ताकि हम लोग और डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
ओके, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट टू ऑल।